No! नूडल्स पे गया बाबा। चलो डाल दो, एक डालो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी हाँ, ये हमारा फ्राइडे फ्लॉक है और फ्राइडे को हमेशा होती है आउटिंग। और अभी हमने गेम खेली थी, आपने देखा होगा हमने कैसी गेम खेली। और मैं फिर भी जो है वो एक नूडल्स का पैकेट जीत गई थी, वो दे नहीं रहा था। पर मैंने कहा नहीं नहीं, वो रिंग मेरा पूरा चला गया था उसके ऊपर। मौसम बहुत ही अच्छा था, ना सर्दी थी इतनी। और फिर उसके बाद हमने काफ़ी सारे झूले इंजॉय किए बच्चों के साथ, मैं भी बैठी झूलों पे। और ये भी आप देख सकते हैं कितने एक्साइटेड है झूलों पे बैठने के लिए। फिर उसके बाद हम मात को लेके मैं भी ट्रेन में बैठी और बहुत मज़ा आया हमें। इस ट्रेन से रिलेटेड हमारे काफ़ी सारी यादें हैं। जब छोटे थे हम मुल्तान आते थे तो लाजमी जो है वो हम इसमें ट्रेन में बैठते थे। और अब देखो मेरे बच्चे भी जो है माशाल्लाह से इस झूलों में बैठ रहे हैं। उसके बाद अहमद ने जो वो हॉर्स राइडिंग की थी। अच्छा जी, ये सबसे ख़तरनाक झूला है झील पे और ये डिस्कवरी है जिसमें मैं कभी भी बैठना नहीं चाहती और ना ही मेरा दिल करता है। और अभी बच्चे जो हैं वो झूलों पर थे और हम यहाँ पर जो है कुछ वीडियो क्लिप भी देख रहे थे। इसके बाबा ने हया की शेयर की थी वीडियो क्लिप स्लोमो चला के। माशाल्लाह से हम मात ने भी बहुत इन्जॉय किया और झूलों को काफ़ी गौर से ही देख रहा था। फिर उसके पापा बच्चों को ले गए झूलों की तरफ और मैं यहाँ पर हम मात को लेके बैठी हूँ और इन्जॉय भी कर रही हूँ। मौसम बहुत ही खूबसूरत है और अभी लगे अभी धूप काफ़ी सारी थी लेकिन बादल ही एकदम आ गए थे और जो है ना मौसम ऐसा एकदम ही चेंज हो गया सडनली। उसके बाद हम जो है वो ड्राइविंग में बैठे। तो ये नेक्स्ट डे मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। अम्मी रख रही थी रोज़ है तो मैंने बनाई थी फ्रूट चाट और मेरी सिस्टर ने बनाई थी दही बड़े। तो मैंने सोचा फ्रूट चाट बना लेते हैं, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और एक वैसे भी अफ्तार के टाइम पे रोज़ा किसी का भी हो खुद ब खुद जो है ना वो बहुत ही अच्छा सा माहौल बन जाता है और खुद ब खुद अल्लाह की बरकतें हासिल होती हैं। तो मैंने अब इसमें चीनी डाल दी है और अभी काली मिर्च ऐड करूँगी और ये मज़े का जो फ्रूट चाट है वो रेडी है। तो आप ज़रूर बताइए आप लोग फ्रूट चाट किस तरह से बनाते हैं। बहुत से लोग जो है बहुत मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं फ्रूट चाट वगैरह। और अभी आप देख सकते हैं ये बच्चे खूब पहलावा बचा के बैठे और खेल रहे हैं ट्वाइस से। एक साइड पे दोनों लड़कियां बैठी हैं और एक साइड पे जो है वो साद अली बैठे हुए हैं। और अहमद पता नहीं वो उनके पीछे बैठ के क्या कर रहे थे। सोचा इनकी वीडियो भी बना दो चुपके से, इन्हें बताई मैं वीडियो बना रही हूँ वरना ये लोग लास्ट ही मेरी वीडियो ख़राब कर देते। सो जी, उसके बाद मेरी बहुत ही पुरानी सी शर्ट मुझे मिली थी, आप उसका फैशन देख के समझ ही गए होंगे। ये 2012 में फैशन चला था काफ़ी और इसमें पॉकेट्स थी, कुर्ता स्टाइल था काफ़ी खुला खुला सा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको जो है वो थोड़ा सा एक न्यू कर दूँ, यानी थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज कर दूँ। तो मेरा बाग माइंड में एक आइडिया आ रहा था कि मैं इसकी जो मतलब सामने वाला दामन है यानी उसका फ्रंट दामन है उसको मैं शॉर्ट कर लूँ और बैक से जो है वो बिल्कुल टेल शेप में आ जाएगी, यानी बैक से जो है वो लॉन्ग रहेगा।
तो अभी मैं जो है इसको उस तरह से कटिंग करूँगी, उसको स्टिच कर दूँगी बिल्कुल गुलाई में शेप में, और देखें ऊपर से जो हमारा वही स्टाइल रहेगा उसको मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा से वेलवेट लगी हुई है और मैंने बटन पे लगवाए थे जब ये बहुत फैशन इन था, यानी मेरी शादी से पहले का ये कुर्ता है, तो मैंने इसको स्टिच करवाया था और अभी भी जो है ये बिल्कुल वेल कंडीशन में था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है रिव्यू कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने इसको किस तरह से टर्न किया है। देखिए इसको मैंने इस तरह से जो आप आगे से शॉर्ट और बैक से लॉन्ग कर दिया है, एकदम आपको पहन के भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह से लग रहा है। तो ये देखिए एक तरह से ये फैशन में भी आ गया, ट्रेंडी भी काफ़ी है। सो होपफुली आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बहुत एफर्ट लगती है इसके अंदर, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।